हस्बैंड और वाइफ एक ओल्ड टाउन में वापस आए और यहीं पर वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड था। जब एक्स बॉयफ्रेंड इनके ही घर पर काम करने लगता है तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रॉ डॉग्स एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक कपल अपने ओल्ड टाउन में वापस जा रहा था। एक्चुअल में टाउन वाइफ का है। यहाँ पर वाइफ का नाम है एमी और हस्बैंड का नाम है डेविड। बहुत सालों पहले अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, एमी एलए गई हुई थी। यहीं पर वो डेविड से मिली। एक्चुअल में डेविड मूवी राइटिंग का काम करता है। अब उन दोनों ने शादी कर ली थी। अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, एक बेबी के लिए, वो एक छोटे से टाउन में रहना चाहते थे। अभी अभी थोड़े दिनों पहले एमी के फादर की डेथ हुई तो उनका घर उसे मिल चुका है, तो इसे टाउन में आकर अभी रहने वाले थे। इस टाउन में आने के बाद एमी को अपने बचपन की सारी यादें आ रही थी। ये डायरेक्टली एक बार में पहुंचते हैं। बार में सब लोगों ने एमी और उसके न्यू हस्बैंड को नोटिस किया। उन्हें डेविड सिटी से है इसलिए बहुत ही अजीब लगता है, वीक लगता है। इसी बार में एमी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम है चार्ली। चार्ली आकर एमी से बात करता है। एमी के घर पर काम करने के लिए डेविड ने ऑनलाइन जॉब डाला था और इसी जॉब के लिए चार्ली ने अप्लाई किया है, तो इसके बारे में वो डेविड से बात करता है। डेविड को अच्छा लगा कि एमी चार्ली को जानती है, तो इसी वजह से उसने घर रिपेयरिंग का काम उसे दे दिया। डेविड जब बार पर जाकर ड्रिंक ले रहा था तो यहाँ के लोकल कोच ने झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत ज्यादा पीनी थी पर बारटेंडर उन्हें मना कर रहा था। ये झगड़ा और भी बढ़ने लग गया था। तभी यहाँ का शेरिफ आकर यहाँ सब चीजें कूल डाउन करता है। इस टाउन में सब लोग बहुत ही अग्रेसिव है तो डेविड को अनकंफर्टेबल लगता है। यही बार में डेविड ने एमी और चार्ली की फोटो देखी। जब वो स्कूल में थे तब एक दूसरे को डेट करते थे। इसी टाउन में एक मेंटली अनस्टेबल आदमी भी है जिसका नाम है जेरेमी। एक्चुअल में जेरेमी को बहुत सालों पहले मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए था, पर इस टाउन में वो हर एक आदमी का ख्याल रखते हैं। जब एमी और डेविड बार से बाहर निकले तो जेरेमी उनके कार में बैठा हुआ था। डेविड को इस पर गुस्सा आता है पर वो कुछ बोलता नहीं। एमी ने जेरेमी को रिक्वेस्ट की और वो वहां से चला गया। घर आते वक्त डेविड ने एमी से पूछा, क्या चार्ली तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? एमी पूछती है, क्या तुम्हें जेलस लगा? फाइनली मैं तुम्हारी वाइफ बनी। ये दोनों मिलकर फिर अपना हाउस देखते हैं। इन्हें बहुत सारे काम की जरूरत पड़ेगी पर फिर भी इसके लिए वो एक्साइटेड है। इनका शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। डेविड एक न्यू मूवी पर काम कर रहा था तो इसी वजह से वो मूविंग में हेल्प नहीं कर पाता, तो एमी सब चीजें देख लेती है। अगली सुबह चार्ली बहुत जल्दी अपने सब फ्रेंड्स को लेकर रूफ पर काम करने लग गया था। इस वजह से डेविड की नींद खराब हो गई। इसके बारे में उसने चार्ली से जाकर बात की तो चार्ली कहता है, इस टाउन में हम सब लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सब कुछ काम करते हैं। डेविड कहता है, कल से जरा लेट आना। चार्ली भी ये बात मान गया। हमें इन दोनों की कन्वर्सेशन से लगता है कि शायद अब ट्रबल होगा, पर चार्ली ने इसे लाइटली लिया हुआ था। थोड़ी देर में डेविड जब अपनी बुक पर काम कर रहा था तो अचानक से चार्ली का फ्रेंड घर में आ गया। उसने बियर निकाली और डेविड से बात करने लग गया। ऐसे ही कोई भी घर में घुस कर आना, बात करना, ये डेविड को सही नहीं लगता। इसके बारे में उसने एमी से बात की। एमी कहती है कि ये स्मॉल टाउन है, इसमें लोग फ्रेंडली होते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल बात है, पर फिर भी डेविड जाकर उससे बात कर सकता है। डेविड ने फिर चार्ली से इसके बारे में बात की। चार्ली को भी ये कुछ भी गलत नहीं लगता। आज चार्ली को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी हंटिंग पर जाना था तो काम वैसे ही छोड़कर वो चले गए। रात में चार्ली और उसके फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि डेविड के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। चार्ली ने कहा कि हमें काम के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने वो हमें पे करने वाला है, वो कुछ भी इलीगल करना नहीं चाहता। रात में डेविड और एमी चेस खेल रहे थे और खेलते खेलते इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम कोच और जेरेमी के ब्रदर को देखते हैं। एक्चुअल में कोच की एक बेटी है जिसके आसपास हमेशा जेरेमी घूमता रहता है। कोच ने जेरेमी के ब्रदर को कहा, इसे जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में तुम डाल दो, अगर वो मेरी बेटी के आसपास दिखा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। जेरेमी का ब्रदर भी अश्योर करता है कि वो कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एमी रनिंग कर रही थी। रनिंग करते करते चार्ली और उसके सब फ्रेंड्स उसे बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा। वो जब घर में आए तो इसके बारे में उसने डेविड से बात की। डेविड उसे कहता है, तुम्हें सही से कपड़े पहनने चाहिए। एमी को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है, यह सब मेरा ही फॉल्ट था। डेविड कहता है कि अगर तुम अच्छे से कपड़े पहनोगी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। डेविड की इस घटिया सोच पर एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर अपने ऊपर के कमरे में गई। वहां से चार्ली और उसके फ्रेंड्स को देख सकती थी। उसने अपना टॉप निकालकर उन्हें अपनी बॉडी दिखा दी क्योंकि वो यही चाहते थे।
डेविड का गुस्सा निकालने के लिए उसने किया था। चार्ली ये देखकर खुद एम्बैरेस्ड हो जाता है। अगले दिन चार्ली और उसके फ्रेंड्स फिर से अपना काम खत्म कर टाउन में जा रहे थे। डेविड को टाउन से दूर यहाँ पर कोई भी कॉल का रिसेप्शन नहीं मिलता, तो वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वो बहुत ही स्लो कार चलाते हैं 30 की स्पीड पर, जो डेविड को अच्छा नहीं लगता। वो उसे आगे जाने के लिए साइड दे नहीं रहे थे। डेविड को जब उन्होंने साइड दी तो आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। डेविड कुछ भी कर अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है। आज उसकी जान भी जा सकती थी। ये चार्ली और उसके फ्रेंड ने जानबूझकर किया था। टाउन में आकर डेविड अपनी कार का टायर बदलवाता है। यही पर उसने एक लड़की को जेरेमी के साथ फ्लर्ट करता देखा। इसका मतलब है जेरेमी खुद जाकर कोच की बेटी के साथ बात नहीं करता, वही उसके पास आती है। लास्ट सीन में इसी बात को लेकर जेरेमी के ब्रदर और कोच में फाइट हुई थी। डेविड फिर बार में गया और वहां पर कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। एक आदमी ने उसे फुटबॉल के गेम के लिए इनवाइट किया। सब में घुल मिल जाने के लिए डेविड भी इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एमी और डेविड चर्च में आए हुए थे। डेविड गॉड पर बिलीव नहीं करता, वो एमी के लिए यहाँ आया हुआ था, पर बीच में ही उठकर वो चला जाता है। बाहर कार में जाकर वो सो रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद चार्ली डेविड के पास आया। उसे कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें जो लगे वो तुम बिलीव कर सकते हो, पर फिर भी इस तरीके से चर्च के बीच में उठकर जाना ये बहुत ही गलत है। ये कुछ लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। वो उसे एक टाइप की धमकी दे रहा था। डेविड भी ये बात मान गया। डेविड चार्ली से कहता है, मुझे बाइबल से एक बात याद है, नेबर की वाइफ पर नजर नहीं डालनी चाहिए। चार्ली ने कहा कि अगर नेबर की वाइफ तुम पर नजर डाल रही हो तो क्या किया जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गेम देखने के लिए सारा टाउन आया हुआ था। एमी कोच की बेटी से बात कर रही थी, तभी जेरेमी आकर उसे बात करने लगता है। ये कोच ने देखा और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो डायरेक्टली जेरेमी को आकर मारने लगता है। जेरेमी सिर्फ बात कर रहा था। कोच का इस तरीके से उसे मारना एमी को गलत लगा। वो कोच को रोकने की कोशिश करती है, पर कोच का एमी पर भी गुस्सा हो गया था। चार्ली ये सब देखता है और कोच को कंट्रोल कर लेता है। डेविड ने एमी को यहाँ से चलने के लिए कहा। एमी डेविड पर भी गुस्सा थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। डेविड कहता है कि इस तरीके से फाइट करना ये उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। आज रात डेविड ने जब अपना क्लोजेट खोला तो उसमें एक कैट को हैंग कर दिया गया था। वो देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। एमी इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे पता था चार्ली या उसके कुछ फ्रेंड्स ने किया होगा। डेविड कहता है, हम डायरेक्टली उन्हें अक्यूज नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। एमी पूछती है, क्या तुम कुछ भी करने नहीं वाले। डेविड कहता है कि मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें पूछता हूँ कि मुझे आसपास मेरी कैट कहीं भी मिल नहीं रही। उनके एक्सप्रेशन से हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। एमी के फादर को हंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। इनका एक ट्रैप घर में पड़ा हुआ था, तो इसी को लगाने के लिए डेविड ने चार्ली से हेल्प ली। एमी यहाँ पर इनके सामने दूध लेकर आती है। कहती है, मेरी कैट मुझे कहीं भी मिल नहीं रही। ये देखकर सारे लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अगले दिन चार्ली के फ्रेंड हंटिंग के लिए जाने वाले थे, तो उन्होंने डेविड को भी इन्वाइट किया। डेविड को लगता है कि अगर उनके साथ गया, उनसे ज़रा फ्रेंडशिप की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए अगले दिन उनके साथ चला गया। चार्ली हंटिंग के लिए नहीं आया हुआ था। हंटिंग करते करते अचानक से एक डियर डेविड के पास से गया। चार्ली के फ्रेंड उस पर गोली चलाते हैं और ये डेविड को लगने वाली थी। उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लोग भी गुस्से में डेविड को जंगल में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसी के पैरेलल में चार्ली एमी के घर पर पहुंच जाता है। एमी उसे घर में आने देने के लिए मना कर रही थी, पर फिर भी वो जबरदस्ती घर में घुस गया। उसे जबरदस्ती करने लग जाता है। एमी ने उसे रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर वो कुछ भी कर नहीं पाए। चार्ली के साथ उसका फ्रेंड भी था, उसने भी एमी का रेप किया। डेविड रोड पर लिफ्ट मांगता है तो शेरिफ उसके पास आया। कहता है, तुम यहाँ पर राइफल लेकर कर क्या रहे हो, इस जगह पर हंटिंग करना अलाउड नहीं है, एक सीरियस ऑफेंस था और जेल में भी जा सकता है। डेविड बहुत ही गुस्सा हो चुका था। सारी बात उसने एमी को बताई। एमी उसे कुछ भी बता नहीं पाती। उससे कहती है, तुम एक कावर्ड हो। जब एमी ने चार्ली और उसके फ्रेंड की कंप्लेंट डेविड के पास की थी, तो डेविड ने कुछ किया होता तो चार्ली की आज कुछ भी हिम्मत नहीं होती। एमी रोने लग जाती है। कहती है, मुझे यहाँ से दूर जाना है, अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती। डेविड कहता है, यह हमारा घर है, हम हमारे घर से भाग नहीं सकते। वो कहता है, कल मैं चार्ली को फायर कर दूंगा। अगले दिन उसने इसके बारे में चार्ली से बात की। चार्ली पूरे काम के पैसे ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। जो भी हुआ, इस सब से एमी मूव ऑन करना चाहती थी। आज रात सारा टाउन मिलकर गेम देखने के लिए जा रहा था, तो यही देखने के लिए एमी और डेविड दोनों आए।
यही वह फेस है कोच की बेटी जेरेमी से बात करने लगती है। कहती है कि मेरे गेम के लिए कुछ टाइम है, हम कहीं पर चल सकते हैं। वो उसे अपने लॉकर रूम में लेकर के उसे किस करने लगती है, उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी। कोच ने नोटिस किया कि उसकी बेटी कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रही। वो सबसे पूछता है तो उसकी बेटी की फ्रेंड ने कहा कि हमने उसे जेरेमी से बात करते हुए देखा था। कोच बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, हर जगह पर उसे ढूंढने लग गया। वो जब लॉकर रूम में आता है तो जेरेमी डर गया। कोच की बेटी के मुंह पर उसने हाथ रख दिया कि वो कुछ भी ना बोले। मुंह पर हाथ रखने की वजह से कोच की बेटी का दम घुटने लग गया था। कोच जब यहाँ से चला गया तब तक उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। ये सब देखकर जेरेमी को बहुत शॉक लगा। ये सब एक्सीडेंटली हो गया था। गेम देखने के लिए चार्ली और उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। ये जब एमी उन्हें नोटिस करती है तो उसे अनकंफर्टेबल लगता है। वो जल्दी से इस गेम से घर जाना चाहती थी। डेविड और एमी जब घर जा रहे थे तो अचानक से डेविड उनकी गाड़ी के सामने आ गया। इस एक्सीडेंट की वजह से जेरेमी के हाथ पर चोट आ गई थी। डेविड जल्दी से जाकर उसे हेल्प करता है। जेरेमी सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि यह सब मैंने नहीं किया। डेविड ने एम्बुलेंस को कॉल किया और जेरेमी को अपने घर लेकर जाता है। हर जगह पर कोच अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ढूंढने में उसने चार्ली और उसके फ्रेंड से हेल्प ली। जब डेविड ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था तो इनमें से एक ने पुलिस के रेडियो पर यह सब बात सुन ली। उन्हें पता चल गया कि जेरेमी डेविड के पास है। ये सब गुस्से में डेविड के घर पर पहुंच जाते हैं। चार्ली ने बाहर से डेविड से बात की कि जेरेमी को बाहर भेजो, कोच की बेटी मिल नहीं रही। जेरेमी बार बार बता रहा था कि मैंने नहीं किया और कोच की बेटी उसके पास नहीं है, तो डेविड समझ गया कि शायद कोच की बेटी को कुछ हो गया है और सारा ब्लेम जेरेमी पर आएगा। अगर वो जेरेमी को बाहर भेज देता है तो सारे लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, तो इसी वजह से वो जेरेमी को बाहर नहीं भेजता। वो कहता है कि पुलिस को बोला, उसके बाद ही हम जेरेमी को बाहर भेजेंगे। यहाँ पर बहुत सारा नॉइज हो रहा था तो शेरिफ भी वहाँ पर पहुँच गया। सारे लोगों के हाथ में गन थी। शेरिफ ने सब लोगों को शांत होने के लिए कहा। शेरिफ जाकर डेविड से बात करता है, कहता है जेरेमी को मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेरिफ ही लोकल ही है तो डेविड उस पर बिलीव नहीं करता। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी कोच और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब तक जेरेमी ने उसकी डॉटर के साथ क्या किया होगा ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। यही गुस्से गुस्से में उसने डायरेक्टली शेरिफ पर गोली चलाकर उसे मार डाला। डेविड ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जल्दी से जाकर उसने सब डोर्स वगैरह सब कुछ लॉक कर दिया। एमी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो कहती है बाहर बहुत सारे आदमी हैं, अभी हेल्प के लिए किसी को भी कॉल भी नहीं कर सकते। एमी को लग रहा था कि उन्हें जेरेमी को उन्हें दे देना चाहिए। डेविड कहता है हमने अभी अभी एक मर्डर विटनेस किया, वो हमें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ जीने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। जेरेमी ने एमी को अपने फादर की गन निकालने के लिए कही। घर में उसने ट्रैप बिछा दिया। उसके पास जो भी कुकिंग का ऑयल था ये सारा कुछ वो बॉयल करने लग गया। चार्ली और उसके फ्रेंड घर में आ नहीं पा रहे थे तो बाहर डेविड की बहुत ही एक्सपेंसिव कार उन्होंने फोड़ दी। चार्ली का एक आदमी खिड़की से अंदर आ रहा था, उसका हाथ जिस जगह पर रखा हुआ था वहीं पर डेविड ने नेल गन से उसे पिन कर दिया। फिर कोच गुस्से में अपनी गन लेकर खिड़की में आया। अभी अभी जो ऑयल डेविड ने बॉयल किया था ये डायरेक्टली उसके फेस में वो डाल देता है। उसने दो लोगों को इंजोर किया तो डेविड अपने घर में गाने लगाता है। एक ओपन इन्वाइट था फाइट के लिए। चार्ली भी इस बात से इम्प्रेस्ड हुआ। चार्ली और उसके फ्रेंड गाड़ी में बैठते हैं। ये गाड़ी डायरेक्टली उन्होंने उनके वॉल में डाल दी। अब कोच घर में अंदर घुस आया था। डेविड छुप गया और कोच से उसकी गन उसने ले ली। उसे शूट कर वो मार डालता है। सबको मारते मारते उसकी गोलियां खत्म हो गई और अभी तक चार्ली जिंदा था। चार्ली का फ्रेंड और वो जल्दी से ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं। चार्ली का फ्रेंड भी गुस्सा है तो एमी को मारने वाला था, पर चार्ली उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है। तभी एमी ने अपनी गन ली और चार्ली के फ्रेंड को मार डाला। इसी एम्बुश में डेविड चार्ली पर हमला कर देता है। डेविड उसे कुछ भी नहीं कर पाया। चार्ली और उसमें बहुत ज़्यादा फाइट हुई। उसे मारने वाला था तभी एमी भी चार्ली को मारने लग जाती है। चार्ली ने एमी से कहा कि वरी मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी अचानक से डेविड ने पीछे से एक ट्रैप लेकर डायरेक्टली चार्ली के हेड में डाल दिया। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। फाइनली एमी के साथ जो भी हुआ इसका बदला डेविड ने ले लिया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।